लिखा हुआ है। पहले रब को मनाना पड़ेगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। आपके इलाके में हर साल का ये प्रोग्राम होता है और आप लोग तकरीर भी सुनते हैं, और जहां तक मुझे नॉलेज में है, इल्म में है कि आप लोग अभी जो है नात का जो माहौल है, जिस माहौल में नात पाक सुनी जाती है, आप उस माहौल से नावाकिफ हैं। मैं आपको बताऊं, जब शायर का शेर खत्म हो, अगर आपको बात अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, इससे आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा भी होगा और शायर की हौसला अफजाई होगी, शायर को ये लगेगा कि हाँ मुझे अच्छी तरह से सुना जा रहा है। ये जो सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबको अगर समझ में आ रहा हो एक बार मचर कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हाथों को हवा में लहरा कर बोलेंगे तब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कहे दो, वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कहे दो, वक्त के बादशाहों से कहे दो, वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कहे दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जनकापुर वालों, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, अगर आप ही जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं और हिम्मत के साथ और हौसले के साथ आज वो नई नात और नई नज़्म भी आपको सुना के जाऊंगा जो आपने यूट्यूब पर नहीं सुनी होगी। लेकिन ये शर्त है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दें। जो मैंने ये शेर पढ़ा, इसकी फरमाइश की थी हमारे हबीबुर रहमान साहब ने कि आप इसी से शुरुआत करिएगा। आइए एक और एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नात आप तक पहुंचाऊंगा। सुनना चाहते हैं तो एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा, पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो लगना चाहिए कि जनकापुर के लोग किस तरह से जो है नाते पाक सुनते हैं। इधर मोहताजियां मजबूरियां आवाज देती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे हिस्से में सिर्फ 15 मिनट का वक्त आया है, इसलिए मैं सिर्फ कुछ पुराने शेर पढ़ करके माइक टेस्ट कर रहा हूं कि माइक ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत अच्छा चल रहा है। जो मैं नए कलाम और नई नज्म आपको सुनाऊंगा, वो भी जो दोबारा दौर जब शुरू होगा तब सुनाऊंगा। ये शेर सुनिए कि इधर मोहताजियां मजबूरियां आवाज देती है, मदीने की उधर रानाइयां आवाज देती हैं, मदीने की उधर रानाइयां आवाज देती हैं। आज हम
मुसलमानों की रुसवाई का सबब क्या है, ये शेर सुनिए कि हमारे हाथ से दामन नबी का जब से छूटा है, हमारे हाथ से दामन नबी का जब से छूटा है, हमारे हाथ से जब से छूटा है, हमें हर सिमत से रुसवाइयां आवाज देती है, सुभान अल्लाह, हमें हर सिमत से रुसवाइयां आवाज देती है, मदीने की उधर रा आवाज देती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। एक बार मैं फिर अपने उन तमाम भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने चचा से गुजारिश करता हूं कि जो लोग मेले के आसपास घूम रहे हैं, आप जल्दी से जलसगाह की तरफ तशरीफ लेकर आए। और अगर आप लोग इसी तरह खामोशी से सुनेंगे तो मुझे नए जो कलाम सुनाने हैं, मैं जाकर के कल कहीं और सुना दूंगा, क्योंकि आने वाले मुसलसल कई दिनों तक हम लोगों का सफर है। और मैं आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं, डॉक्टर जाकिर साहब ने मुझे 2-3 महीने पहले फोन किया था, मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट में उन्होंने फोन किया था। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैंने अदनान की तारीख दी थी। मैं अदनान और सुफियान प्रतापगढ़ी का अपना चचा हूं, उनका उस्ताद भी हूं, उनका सरप्रस्त हूं। मैंने अदनान प्रतापगढ़ी को इस प्रोग्राम में लाने के लिए वादा किया था, लेकिन इमरजेंसी में उनका सालाना एग्जाम शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं आज अदनान को आप आपके बीच में नहीं ला सका हूं। इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, और मैं आज इस जलसे में इन मीडिया वालों के सामने आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि आइंदा साल मैं अदनान प्रतापगढ़ी को जरूर लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप सबसे भी एक वादा लेना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा बेदारी के साथ सुने, जिस तरह आप लोग सुन रहे हैं इस तरह अदनान प्रतापगढ़ी नहीं पढ़ते, अदनान प्रतापगढ़ी हंगामे में पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा माहौल बना दें, इस साल माहौल बना रहेगा इंशाल्लाह, अगले साल अदनान प्रतापगढ़ी आपके बीच में जरूर मैं लेकर के आऊंगा उनको। आइए यहां से एक खालिस नाते पाक के कुछ शेर आपको सुनाता हूं। नाते पाक का लिखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। अगर आप सुन करके सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कहेंगे तो आपके नामा आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। एक नाते पाक यहां से मैं हाजिर करता हूं, सुनना चाहता हूं तो एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते। मैं भी हंगामे वाली शायरी पढ़ता हूँ, नज़्म पढ़ता हूँ, वो सब भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन इस 15 मिनट ये वाले दौर में मैं आपको नाते पाक सुनाने के लिए आया हूँ इंशाल्लाह। और नई नई नज़्में और ऐसी नज़्म है कि मैं जब पढ़ूंगा तो आप अपनी जगह से उछलेंगे, कूदेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको खालिस नाते पाक सुना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना, वरना खामोशी से सुन लेना। नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते, खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते, मेरा दावा है जो नफ़्स-ए-क़दम से उनके हट जाए
दुनिया में कामयाबी पाने का वाहिद रास्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। सुन्नत पे अमल करने से ही आपको कामयाबी हासिल होगी। इसके अपोजिट जो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है कामयाबी हासिल करने के लिए, ताउम्र भटकता रहता है लेकिन उसे कामयाबी मैसर नहीं होती है। ये शेर सुनिए कि नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते। मेरा दावा है जो नक्शे कदम से उन्हें कि हट जाए, कभी वो मंजिले मकसूद अपनी पा नहीं सकते। सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, शेर समझ में आ रहा है तो। कभी वो मंजिले मकसूद अपनी पा नहीं सकते। दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, अगर सबकी टहनियों को कलम बना दिया जाए और सारे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखना शुरू करें, यकीन मानिए हम आपकी तारीफ बयान नहीं कर सकते। रात इंदौली साहब एक बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने कभी कहा था कि जमजमों कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, कहां वो जात यजदानी कहां हम खाक के पुतले, कहां वो जात यजदानी कहां हम खाक के पुतले, मकामे मुस्तफा दुनिया को हम समझा नहीं सके, मकामे मुस्तफा दुनिया को हम समझा नहीं सकते, खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते, जो यादे मुस्तफा से अपना दिल बहला नहीं सकते, खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते, कुछ ऐसी करबला की खाक पर तस्वीर खींची है, कुछ ऐसी करबला की खाक पर तस्वीर खींची है, सितम वाले अली वालों से अब टकरा नहीं सके, सितम वाले अली वालों से अब टकरा नहीं सकते। नबी के जिक्र से जो अपना दिल बहला नहीं सकते, मकामे मुस्तफा लोगो अदब का ऐसा मरकज है, ऐसा मरकज है इजाजत के बिना जिब्रील पर फैला नहीं सकते, इजाजत के बिना जिब्रील
पर फैला नहीं सकते जो यादे मुस्तफा से अपना दिल बहला नहीं सकते खुशी के चंद लम्हे जिंदगी में पा नहीं सकते। महतरम हजरात।